मनाली के बहंग में बारिश की वजह से भारी नुकसान, बाढ़ में बहा 4 मंजिला होटल। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में दिखा ब्यास नदी का रौद्र रूप, खिलौने की तरह नदी में ट्रक बह गया। हिमाचल के कसौल में ब्यास नदी में बह गई गाड़ियां, भारी बारिश के बाद नदी में उफान। यूपी के सहारनपुर में यात्रियों से भरी बस नदी के तेज बहाव में फंसी, यात्रियों को बचाने की कोशिश जारी। कुल्लू के मणिकरण में बाढ़ जैसे हालात, पार्वती नदी का बढ़ा जलस्तर, हालात को देखते हुए प्रशासन अलर्ट। दिल्ली में भी भारी बारिश का कहर, अब तक 5 लोगों की मौत, यमुना का बढ़ा जलस्तर, दिल्ली सरकार ने जारी की चेतावनी। शिमला में बारिश का दिखा खौफनाक रूप, कलगा गांव में ढह गई एक इमारत। शिमला बाईपास पर पानी के सैलाब में फंसी बस, शीशे तोड़कर समय पर बाहर निकले यात्री। हिमाचल प्रदेश के मंडी में बह गया 100 साल पुराना पुल, प्रशासन ने सभी को सतर्क रहने की हिदायत दी। हिमाचल प्रदेश के मंडी में ब्यास नदी में फंसे 6 मजदूर एनडीआरएफ और एसडीआरएफ ने रेस्क्यू किया। हिमाचल प्रदेश के मंडी में भारी बारिश से कोहराम, ब्यास नदी में बढ़ा जलस्तर, पानी में बहती दिखी कार। शिमला में बारिश के बीच हुई लैंडस्लाइड, कई इलाकों में उखड़े पेड़, सड़क बहाल करने का काम जारी। मंडी के थुनाग में अचानक आई बाढ़, मुख्य बाजार तबाह, राहत बचाव का काम जारी। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में तेज बारिश से भूस्खलन, सड़कों पर बड़े बड़े पत्थर गिरने से यातायात बाधित। भारी बारिश के बीच मंडी का पंचवक्त्र मंदिर जलमग्न, ब्यास नदी के पानी में डूबा मंदिर। हिमाचल में नाथपा मंदिर से छोड़ा गया पानी, सतलुज नदी का जलस्तर बढ़ने से बढ़ा खतरा, आसपास के इलाकों में अलर्ट जारी। उत्तरकाशी में भागीरथी नदी के तेज प्रवाह में बस फंसा एक बच्चा, किसी तरह सुरक्षित बाहर निकाला गया, वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल। बिहार के सुपौल में तेज बारिश से बढ़ा कोसी नदी का जलस्तर, 100 से ज्यादा घर पानी में डूबे, कई परिवार बेघर हुए। हरियाणा के यमुनानगर में हथनीकुंड बैराज में बढ़ा जलस्तर, आसपास के गांव में पानी भरने से फसलें बर्बाद। बिहार के कई शहरों में अगले 2 दिनों तक मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट, भारी बारिश की चेतावनी। Z News.